दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों एक्सपोजर ट्रायंगल शुरू में आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल जरूर हो सकता है। एक्सपोजर ट्रायंगल में तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, ISO, अपर्चर एंड शटर स्पीड। अगर आप इन तीनों को बखूबी समझ गए तो आप एक्सपोजर ट्रायंगल बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। जब आप लोग ऑटो मोड से मैनुअल मोड में आते हो तो आपको ये तीन चीजें बैलेंस करनी होती है एक बेहतरीन फोटो को पाने के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी एक्सपोजर ट्रायंगल की वीडियो। दोस्तों एक्सपोजर ट्रायंगल बताने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं जिससे आपको एक्सपोजर ट्रायंगल समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों पहले हम समझते हैं ISO को। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ISO कैमरे की लाइट की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। जब आप ISO के नंबर को कम करते हो तो आपके कैमरे की लाइट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ISO के नंबर को कम करोगे तो आपके तस्वीर में लाइट कम आएगी, और अगर आप ISO के नंबर को बढ़ा दोगे तो लाइट ज्यादा आएगी, लेकिन ज्यादा ISO में आपकी तस्वीर की क्वालिटी घट जाएगी जिसकी वजह से आपको आपकी तस्वीर में नॉइज दिखाई देगी। तो इसलिए जब भी आप दिन के समय यानी कि बाहर आउटडोर शूट कर रहे हो तो हमेशा ISO 100 से 200 के बीच रखो, और अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो या फिर घर के अंदर या फिर घर के बाहर रात को आउटडोर तो आपको ISO कम से कम 400 से 800 तक तो रखना ही होगा। दोस्तों ISO अभी हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं अपर्चर के बारे में। दोस्तों अपर्चर को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपर्चर जो होता है वो हमारे कैमरे की बॉडी में नहीं, हमारे लेंस में होता है। लेकिन जो अभी हमने समझा ISO, वो हमारे कैमरे के बॉडी में होता है, लेंस में नहीं। देखो अपर्चर का काम भी लाइट को कंट्रोल करने का ही होता है। आपके कैमरे के सेंसर में कितनी लाइट जानी है और उसे डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी होनी है यह अपर्चर कंट्रोल करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब जहां आपका फोकल पॉइंट होगा वह उस चीज को शार्प रखेगा और उसके आसपास के एरिया को ब्लर कर देगा, जिसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं। और अपर्चर का जो नंबर होता है वो आपको आपके कैमरे में F करके दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि F2, F4, F8। आप जितना अपर्चर को खोलोगे यानी कि जितना अपर्चर के नंबर को कम करोगे यानी कि आप जितना अपर्चर कम करोगे उतना अपर्चर खुलेगा, उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरे में आएगी, तो उतना ज्यादा सब्जेक्ट आपके फोकस में आएगा और आसपास का एरिया ब्लर हो जाएगा। जितना आपका अपर्चर छोटा होगा यानी कि जितना आपका अपर्चर का नंबर ज्यादा होगा, जैसे कि F11, F12, F32, आपके कैमरे में उतनी लाइट कम आएगी, लेकिन छोटे अपर्चर से आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बड़ी हो जाएगी, यानी कि अब आप ज्यादा बड़ा एरिया फोकस में ले सकते हैं। आपका अपर्चर जितना खुलेगा आप उतना अच्छा अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, और आपका अपर्चर जितना छोटा होगा आप उतना ज्यादा एरिया फोकस में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई ग्रुप फोटो खींचने के लिए आपको अपना अपर्चर छोटा रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड कंट्रोल करता है कि कितनी देर तक के लिए आपका शटर खुलेगा जब तक आपकी तस्वीर खींच रही है, यानी कि जितनी देर तक के लिए आपका कैमरे का शटर खुलेगा उतनी लाइट आपके कैमरे के सेंसर में जाएगी, और जितने कम टाइम के लिए आपका कैमरे का शटर खुलेगा उतनी कम लाइट आपके कैमरे के सेंसर में जाएगी। और जैसे कि आपकी शटर स्पीड 250, 500, 1000 उतना अच्छा आप फ्रीजिंग मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, और जितनी देर तक के लिए आपका शटर खुलेगा जैसे कि 8-4-2 जितना आपका नंबर कम होगा उतना आपके शॉट में मोशन ब्लर आएगा। और हाँ दोस्तों लॉन्ग शटर स्पीड आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स भी दे सकती है, बट यूजुअली उसके लिए आपके पास ट्राइपॉड होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल। तो दोस्तों फटाफट से हम अपनी तीनों चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ISO का मतलब जितना कम ISO होगा उतनी कम लाइट आपके तस्वीर में आएगी, जितना ज्यादा आपका ISO का नंबर होगा
उतनी ज्यादा लाइट आपके तस्वीर में आएगी, लेकिन आपके तस्वीर की क्वालिटी घट जाएगी। और जितना ज्यादा आपका अपर्चर खुलेगा उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरे में आएगी, जिससे आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। और जितना आपका अपर्चर छोटा होगा उतनी कम लाइट आपके कैमरे में आएगी, जिससे आपका ज्यादा बड़ा एरिया फोकस में रहेगा। और जितनी देर तक के लिए आपका कैमरे का शटर खुलेगा उतनी ज्यादा लाइट आपके कैमरे में आएगी, जिसकी वजह से आपको आपकी तस्वीर में मोशन ब्लर का इफेक्ट मिलेगा। और जितने कम समय के लिए आपका कैमरे का शटर खुलेगा उतनी कम लाइट आपके कैमरे में आएगी, यानी कि आप उससे किसी भी मोशन को फ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों टेंशन मत लेना, बस नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए 2400 घंटे खुला है। आपको जो चीज समझ में नहीं आई वो बस नीचे कमेंट में लिख दें, वो मैं आपको समझा दूंगा। और वैसे ISO, अपर्चर, शटर स्पीड की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करते रहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन तीनों की, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको वाइड अपर्चर और नैरो अपर्चर के बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो पे।